एक्सपेरिमेंट ऐसा कौन सा है जो हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl एसिड इन वाटर या हाइड्रोक्लोरिक गैस इन वाटर को डेमोन्स्ट्रेट करता है? द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है यह एमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के हाईली सॉल्युबल नेचर को वाटर में डेमोन्स्ट्रेट करता है, साथ ही साथ ये उनके बेसिक और एसिडिक नेचर को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग एक फ्लास्क को लेते हैं और उस फ्लास्क को इन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है, एक सेटअप के जरिए। उसके बाद यहां पर हम लोग एक ड्रॉपर रखते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये एक वाटर ड्रॉपर है। यहां पर ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन रखे हुए हैं हम लोग, ठीक है, ये ब्लू लिटमस कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर है। और यहां से हम लोग एक जेट ट्यूब यहां पर इंसर्ट करके रख रहे हैं, दिस इज जेट ट्यूब जिसका ऊपर का पोर्शन बहुत ही नैरो होता है, स्मॉल होल होता है। ये जो फ्लास्क है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इस वाटर ड्रॉपर को आप प्रेस करेंगे यहां पे वाटर स्प्रिंकल हो जाएगा। HCl बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यहां पर थोड़ा सा एक्वस HCl एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा तुरंत, जिससे कि यहां पर गैसियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थोड़ा सा कमी आ जाएगा। एंड ड्यू टू दैट हियर द प्रेशर बिकम्स हाई एंड हियर द प्रेशर विल बिकम लेस। सो हाई टू लो ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन जाके यहां पर स्प्रिंकल हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये एक ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था रेड फाउंटेन पैदा करेगा। सो दिस इज कॉल्ड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इससे हाइड्रोजन क्लोराइड का हाईली सॉल्युबल नेचर इन वाटर भी पता लग गया और हाइड्रोजन क्लोराइड का एसिडिक नेचर भी पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन को रेड कर देता है थ्रू जेट। थैंक यू।